हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस डेली बेसिस में आपको करा रही हूँ। डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर, सभी चीज़ें क्लियर कराया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस जो है 2024 का बीपीएससी एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के लिए नया प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, जो मैंने बीपीएससी TIE2 में प्रैक्टिस कराया हुआ है, 79-80 वीडियो जो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है दोस्तों। तो उस सारे वीडियोज को जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैं डेली बेसिस पे आपको करा रही हूँ उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 100 क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो में, और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्कीप मत कीजिएगा, अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, ओलंपिक मोटो अल्टियस को दर्शाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हेनरी डिडान ने ओलंपिक मोटो को डिजाइन किया है, और जिसमें सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस, अब उसमें एक नया शब्द कम्युनिटर जुड़ गया है, जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। तो सीटियस का अर्थ हुआ फास्टर, यानी कि और तेज, आल्टियस हायर मतलब और ऊंचा, फोर्टियस स्ट्रांगर मतलब और मजबूत, एंड टुगेदर यानी कि कम्युनिटर का अर्थ हुआ टुगेदर यानी एक साथ। तो यहां पे अल्टियस का अर्थ हो जाएगा उच्चतर। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यह एक सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को। नेक्स्ट है, स्टेफी ग्राफ से संबंधित है। तो दोस्तों, यह स्टेफी ग्राफ जो है एक खिलाड़ी थी जर्मनी की, टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। तो ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों, आप आंसर दीजिए, थोड़ा सा मैं पॉज लूंगी, थोड़ा सा रुकूंगी आपके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। तो मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो मनोविज्ञान का नाम आते ही आप व्यवहार पर लगा दीजिएगा, बिहेवियर राइट होगा, क्योंकि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान, जो अब वर्तमान में कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वृद्धि करने वाले घटक हैं। तो दोस्तों, अनुवांशिक, पोषण, व्यायाम, ये सभी हमारे ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो उपरोक्त सभी यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दैनिक कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, बिना थकावट के डेली रूटीन को कार्य को कर लेना, और आपातकाल के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी भी होना, इसी कहते हैं हम फिजिकल फिटनेस, ठीक है। यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस दोनों, स्वास्थ्य दोनों यानी कि फिजिकल फिटनेस और फिटनेस दोनों दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस होगा यहाँ पे, लेकिन आंसर दिया है ख फिटनेस, तो फिजिकल फिटनेस होगा, बट यहाँ पे दोनों चीजें दिया है, तो फिटनेस को ज्यादा राइट माना जा रहा है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो ये राइट है, जो मनोवैज्ञानिक कारक है, आप किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, कि अपने मन में शंका किए हुए आप परीक्षा हाल में ही जाते हैं, आप ज्यादा सोच लेते हैं कि क्या होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, तो उस कंडीशन में वो आपके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता दोनों पर प्रभाव डाल देते हैं, ठीक है, आप होपलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल 100% सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों है, यानी कि गौ राइट होगा, उपरोक्त दोनों, जो एकदम इजी क्वेश्चन है उसमें टाइम देना ही बेकार है। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूटन के प्रथम गति के सिद्धांत को क्या कहते हैं? आप सबको पता है कि न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, कब दिए थे इसको भी पूछ दिया जाता है दोस्तों, इसके डेट याद रखिएगा। न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रकाशन 1687 में अपने प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। उनके 3 नियम हैं, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया,
अब गैलीलियो का नियम कहते हैं, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फल के प्रति बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, जीव को भोजन की आवश्यकता क्या प्राप्त करने के लिए होती है? दोस्तों, तो हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो सभी हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं, ठीक है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, प्री स्कूल बच्चों को किस आहार की अधिक आवश्यकता होती है? दोस्तों, तो प्री स्कूल यानी कि स्कूल जाने से पहले बच्चों की शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, तो जो हमारी पेशियां कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत यानी शरीर के निर्माण का कार्य करता है प्रोटीन, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, आराम और गति यह किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, आराम, रेस्ट एंड जो स्पीड है सभी बायो मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किसको किसके अंतर्गत आते हैं? तो बायो मैकेनिक्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के चारों ओर गति करते हैं। तो बॉल एक सॉकेट जो ऐसा है जो 180 डिग्री पूरा एक राउंड घूमता है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन सभी प्रकार की गतियां होती हैं। तो उपरोक्त सभी यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां हुआ था? दोस्तों, तो नई दिल्ली भारत में हुआ था 2010 का राष्ट्रमंडल खेल। और दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था, और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो आप सबको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ये सभी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खो खो पोल की लंबाई कितनी होती है? तो खो खो पोल की लंबाई 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक होता है। और खो खो के जो ग्राउंड होता है 27x16 होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की मध्य रेखा से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है? दोस्तों, तो जो अटैक लाइन होती है उसकी दूरी 3 मीटर होती है, फिर बैक लाइन 6 मीटर होती है, कुल 9 मीटर, ठीक है। तो जो लंबाई गृह चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 9x18 मीटर होती है वॉलीबॉल की ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? दोस्तों, 3 या 5 सेट होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 4 सेट 25 पॉइंट का होता है और 5वां सेट 15 पॉइंट का होता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्ट्रेगन निकालने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, स्ट्रेगन निकालने का सूत्र है WN-1-10 2π। यहाँ पे दोस्तों, अगर ये 400 मीटर का जो स्ट्रेगर होता है उसको निकालने का सूत्र है, और जो 200 मीटर का स्ट्रेगर होगा सब सेम रहेगा, बस 2π के जगह 2 नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी दौड़ में स्ट्रेगर का प्रयोग नहीं होता है? 200, 400, 800 सभी में होता है, बट 100 मीटर दौड़ में स्ट्रेगर का प्रयोग नहीं होता है, वो सीधी लाइन में दौड़ हो जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो 5 चक्र होते हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर W जैसा दिखता है, ठीक है, 5 चक्र होते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये 5 छल्ले जो होते हैं 5 महाद्वीप को प्रतीक है और दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं।
नेक्स्ट है, एक 400 मीटर की हर्डल दौड़ में कितनी हर्डल्स होते हैं दोस्तों? हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में, 400 मीटर की हर्डल दौड़ में कुल 10 बाधाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, बाधाओं की जो संख्या अगर पूछेगा तो जो है 400 मीटर 110 मीटर और 400 मीटर पुरुष के लिए, और 100 मीटर और 400 मीटर महिला के लिए। तो 110 100 400 सभी में 10 बाधाएं होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रॉस बार का भार कितना होता है दोस्तों? जो हाई जंप का क्रॉस बार होता है वो 2 किलोग्राम का होता है, जो पोल वॉल्ट का क्रॉस बार होता है 2.25 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पोल वॉल्ट का लैंडिंग क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना होता है? तो ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर 5x5 मीटर होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6x6 मीटर होता है। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए 60 फुट का भार कितना होता है दोस्तों? तो 7.26 किलोग्राम होता है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 4 kg होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए 7.26 kg एंड महिलाओं के लिए 4 kg होता है। हैमर थ्रो का भी सेम होता है, चक्का फेंक का अगर जो डिस्कस थ्रो होता है वो पुरुषों के लिए 2 kg महिलाओं के लिए 1 kg एंड भाले का जो भाला फेंक में भाले का वजन जो है पुरुषों के लिए 800 ग्राम एंड महिलाओं के लिए 600 ग्राम। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 18x9 मीटर का होता है, तो 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई। नेक्स्ट दोस्तों, वॉलीबॉल के एंटीने की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, एक एंटीना होता है जो 1.8 मीटर यानी कि 180 सेंटीमीटर का होता है, जो 1 मीटर आपके नेट में होता है, और 80 सेंटीमीटर 10 मीटर लाल 10 मीटर काला ऐसे करके होता है, 10 मीटर लाल 10 मीटर सफ़ेद दोस्तों ऐसे चिन्ह के द्वारा होता है। नेट के ऊपर 80 सेंटीमीटर होता है और नेट में 1 मीटर। नेक्स्ट है, खो खो के मैदान की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 27 मीटर लंबाई होती है, 16 मीटर चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है, खो खो के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों 16 मीटर, 27x16 याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 9 खेलते हैं और स्थानापन्न होते हैं, 3 स्थानापन्न होते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष के समानांतर यानी पैरल बार की ऊंचाई कितनी होती है? जिमनास्टिक का क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए 6 इवेंट्स होते हैं और महिलाओं के लिए 4 इवेंट्स होते हैं, जिसके बारे में जिमनास्टिक वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो जो पैरल बार होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो 1.95 मीटर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, रिंग्स के छल्ले जमीन से कितनी ऊंचाई पर लटके होते हैं दोस्तों? जिम्नास्टिक कई प्रकार के होते हैं, आर्टिस्टिक एंड कलात्मक जिम्नास्टिक, एरोबिक जिम्नास्टिक एंड आर्टिस्टिक को ही कलात्मक जिम्नास्टिक कहते हैं। तो मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों, जो छल्ला होता है रिंग में छल्ले होते हैं वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो यहाँ पे उसको पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 2.75 मीटर, जो छल्ले होते हैं रिंग्स जो पकड़ के आप उसको खींचते हैं। नेक्स्ट है, क्षैतिज बार यानी जो हॉरिजॉन्टल बार होता है वो जमीन से कितना ऊंचा होता है? तो जो हॉरिजॉन्टल बार होता है वो जमीन से 2.75 मीटर ही होता है। नेक्स्ट है, गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है दोस्तों? तो 60 फुट यानी गोला खो फेंक, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, इन तीनों का सेक्टर का जो कोण होता है 14.92 डिग्री होता है एंड जेवलिन का 29 डिग्री होता है जेवलिन थ्रो का। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सेंटर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट एरिया स्टेशन कितने होते हैं दोस्तों? जो पहला स्टेशन होता है 11 किलोमीटर पर होता है, और उसके बाद प्रत्येक 5 किलोमीटर पर होते हैं, उसके बाद प्रत्येक 5 किलोमीटर पर होते हैं।
एंड जो हमारा मैराथन दौड़ होता है उसका जो दूरी होता है 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील 385 गज होता है। इसको मान्यता मिली थी 1924 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट दोस्तों 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। तो 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। 110 मीटर पुरुषों का होता है तो इसमें होता है 1.067 मीटर। और 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर। 400 मीटर पुरुष में बाधा की ऊंचाई 0.914 मीटर। 400 मीटर महिला के लिए 0.762 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों खो खो खेल की समय सीमा क्या होती है। तो दोस्तों खो खो खेल का समय जो है 48 मिनट होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। 9:39 का एक पारी फिर 6:06 का आपका रेस्ट दिया जाता है यानी मध्यान तक और उसके बाद फिर 9:39 का दूसरा पारी होता है कुल 48 मिनट का। नेक्स्ट है हेप्टाथलान में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। तो दोस्तों हेप्टाथलान में जो डेकाथलान हेप्टाथलान पेंटाथलान ट्राइथलान इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कंबाइंड इवेंट वाले वीडियो को देखिए जिसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है। सभी चीज़ें एक साथ आपको याद हो जाएंगी कभी नहीं भूलेंगे। तो जो हेप्टाथलान होता है उसमें 7 इवेंट्स होते हैं। कितने होते हैं 7 इवेंट्स हैं 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट जिसमें से मैंने ट्रिक बनाया हुआ था कि 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा और बेचने पर लाभ 800 का हुआ। यानी कि प्रथम दिन 2 दिनों में संपन्न होता है। प्रथम दिन 4 इवेंट और दूसरे दिन 3 इवेंट। प्रथम दिन 4 इवेंट में है 100 मीटर हर्डल रेस ऊंची कूद गोला फेंक 200 मीटर दौड़ और दूसरे दिन है लंबी कूद भाला फेंक 800 मीटर दौड़। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है ग्राउंड यानी कि मैदान। नेक्स्ट है रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है। दोस्तों जो बेटन एक्सचेंज होता है उसकी दूरी जो है 20 मीटर होती है। नेक्स्ट है भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है। दोस्तों सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। नेक्स्ट दोस्तों डिकेथलान में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो डिकेथलान जो होता है वह संयुक्त स्पर्धा है पुरुषों के लिए जबकि हेप्टाथलान महिलाओं के लिए। तो डिकेथलान में 10 इवेंट्स होते हैं। कितनी 10 इवेंट्स। प्रथम दिन 5 दूसरे दिन 5 और इसमें कुल 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ये भी पूछा जाता है मैंने इसको ट्रिक के साथ आपको बताया हुआ है जाके आप वीडियो देख सकते हैं। प्रथम दिन में 100 मीटर दौड़ लंबी कूद शॉर्ट पुट ऊंची कूद 400 मीटर दौड़ दूसरे दिन में 110 मीटर बाधा दौड़ डिस्कस थ्रो पोल वॉल्ट जेवलिन थ्रो 1500 मीटर दौड़ होता है। नेक्स्ट दोस्तों VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। VO2 मैक्स यानी कि अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। तो यह दोस्तों एक डेली एक्सरसाइज के द्वारा यानी व्यायाम के द्वारा इसको सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट दोस्तों किसका उखड़ा हुआ जोड़ यानी डिसलोकेशन हम देख सकते हैं। डिसलोकेशन क्या होता है जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे जो हड्डी खिसक के अपने स्थान से खिसक जाती है उसे डिसलोकेशन कहते हैं। सबसे ज्यादा ये कंधे में होता है इसका हम देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है ये तो एकदम सत्य है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है अरस्तु ने ही कहा था तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास है जिसमें शारीरिक मानसिक सामाजिक तीनों आ जाता है जबकि आर्थिक विकास नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों रोगों से विमुक्त होना ही स्वास्थ्य है। WHO ने कहा है कि केवल रोगों से विमुक्त होना स्वास्थ्य नहीं है बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक सभी संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य है जबकि ये असत्य होगा।
नेक्स्ट है एक सामान्य शरीर में होते हैं, तो आप सबको पता है दो गुर्दे यानी किडनी दो होती है, एक ही काम करता है, एक खराब हो जाएगा तभी दूसरा एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों थकावट किसका परिणाम है, थकावट जो है आप सबको पता है जब हम जितना हाई अगर एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन जितनी मेरे शरीर के अंदर चाहिए होता है उतना आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है जिससे शरीर में थकावट होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण थकावट होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को देना चाहिए, तो प्राकृतिक रूप में शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से बनाया गया व्यायाम को ज्यादा कराया जाना चाहिए हल्के फुल्के, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ह्यूमरस बोन यानी ह्यूमरस हड्डी जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो आप सबको पता है ये अपर लिम में पाई जाती है, ऊपरी बांह में, ठीक है, अपर लिम में पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शोल्डर ब्लेड किसको कहते हैं, दोस्तों शोल्डर ब्लेड जो हमारा स्केपुला कंधे का जो हड्डी होता है उसको शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है, स्केपुला, ठीक है, स्केपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है छोटी आंत में वसा का अवशोषण कहाँ पे होता है, दोस्तों जो हमारा छोटी आंत में बिलाई होता है उसमें सभी पोषक पदार्थों का अवशोषण होकर के कोशिकाओं तक जाता है रक्त के माध्यम से, और उसमें रक्त वाहिनियां होती हैं, उसी विलाई में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जिसमें वसा का यानी फैट का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो सबसे पहले वसा में घुलनशील है कौन, तो कीड़ा मैंने आपको याद कराया हुआ है, ठीक है, कीड़ा याद कराया हुआ है, ठीक है, के ई डी ए, ठीक है, ए आपका हो गया के ई डी ए कीड़ा, तो यहाँ पे वसा में घुलनशील कौन नहीं है, तो और जल में घुलनशील बी सी और एच है, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है वसा में नहीं है, उसके अलावा सब वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है वसा प्राप्त होती है घी से भी रिफाइंड तेल से भी, तो उपरोक्त दोनों से प्राप्त होती है दोस्तों, रिफाइंड तेल आपके लिए अच्छा नहीं होता, सैचुरेटेड फैट है सबसे ज्यादा अच्छा होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट दोस्तों कलर बोन को कहते हैं, तो हमारे जो हसुली जिसे कहते हैं आम भाषा में जो हमारे स्टर्नम के ऊपर वाले भाग से जुड़ा होता है पतली सी जो हमारे गर्दन के पास जाकर के मिल जाती है उसको हसुली या कॉलर बोन या क्लेविकल भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बाइसेप्स मसल्स में होती है, तो बाइसेप्स मसल जो हमारा ह्यूमरस हड्डी होती है उसके ऊपर होती है, तो ऊपरी बाहू में ए है, बाइसेप्स मसल्स कहाँ पे है, ऊपरी बाहू में है, तो ह्यूमरस हड्डी के ऊपर बाइसेप्स मसल और उसके पीछे ट्राइसेप्स मसल्स होती है। नेक्स्ट डेल्टॉइड मसल्स होती है, तो डेल्टॉइड मसल्स हमारे कंधे में होती है जो बाह को ऊपर उठाने में मदद करती है और लिफ्ट लेने में, लिफ्टर मसल्स भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो यहाँ पे एटीपी ग्लूकोज जरूर दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे एटीपी राइट होगा, एटीपी नहीं दिया रहता तो ग्लूकोज राइट होता। नेक्स्ट दोस्तों स्पाइनल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं, तो स्पाइनल कॉलम में कुल 33 होते हैं और वयस्क होने पर जो है 26 बच जाते हैं, जिसमें से जो हमारे वक्ष में 12 होते हैं, हमारे गर्दन में 7 होते हैं, कमर में 5 होते हैं, सेक्रल जो होता है वो 5 होता है, जो वयस्क होने पर 5 मिलकर 1 हो जाते हैं, और कॉक्सीजियल जो होता है वह 4 होता है जो बड़े होने पर 4 मिलकर 1 हो जाते हैं, इस प्रकार 26 बचते हैं। जो कॉक्सीजियल है एक अवशेषी अंग बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया था पहले उसी के रूप में मानव में पूंछ पाया जाता था इतिहास के अनुसार, जो एक अब खत्म हो गया है जिसे अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है कॉक्सीजियल को। नेक्स्ट दोस्तों पेक्टोरलिस मेजर मसल्स में होती है, तो दोस्तों पेक्टोरलिस मेजर जो होती है हमारी छाती यानी वक्ष पे होती है जो थ्रोइंग मसल्स कहा जाता है, पेक्टोरलिस मसल्स को थ्रोइंग मसल्स बोला जाता है। एंड सेरेटस एंटीरियर को बॉक्सर मसल्स, रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी, स्विमर मसल्स डेल्टॉइड एंड लैटिमस डोर्सी, टेलर मसल्स सार्टोरियस, मलखम राइडर मसल्स एडक्टर मंगस, लिफ्टर मसल्स डेल्टॉइड, कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को कहा जाता है।
नेक्स्ट है ऐसा अंग जो बाइल नामक द्रव बाइल नामक स्त्राव बनाता है। दोस्तों बाइल यानी कि पित्त रस का जो निर्माण होता है वह यकृत यानी कि लीवर में होता है। जो पित्त रस जो है वसा में घुलनशील विटामिन को जल में घुलनशील बना करके हमारे शरीर के काम के लायक बनाता है और फैट को पाचन करता है, यानी कि वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल करके हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आप सबको पता है इंसुलिन जो पैंक्रियाज होता है अग्नाशय होता है उसके लंगरहस दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों तेज मसल फाइबर यानी कि फास्ट ट्विस्ट फाइबर होती है। तो हमारे मसल्स में जो छोटी इकाई होती है वो फाइबर्स होती है यानी पेशी तंतु होती है जो दो प्रकार के होते हैं सफ़ेद और लाल। जो सफ़ेद मसल्स फाइबर होती है वो फास्ट ट्विस्ट होती है यानी कि तेज संकुचन होता है जो स्ट्रेंथ यानी कि हाई इंटेंसिटी वाले कार्यों में ज़्यादा कम समय की क्रियाओं में उपयोग होती है। और जब लाल मसल फाइबर जो होते हैं वो स्लो ट्विस्ट धीरे धीरे ट्विस्ट होते हैं जो इंड्योरेंस वाले एरोबिक क्रियाएं होती हैं उसमें ज़्यादा लाल मसल फाइबर काम एक्टिव रहता है। तो तेज मसल फाइबर होती हैं तो सफ़ेद मसल फाइबर को ही तेज मसल फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मूत्र से प्रतिदिन कितना पानी निष्कासित होता है? तो 1500 ml से 2500 तक होता है। तो 1500 ml तक जो है हमारे यूरिन से प्रतिदिन पानी निष्कासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो रक्त के प्लाज्मा जो है सफेद कलर का दुधिया कलर का होता है भूसे के रंग का जैसा होता है। प्लाज्मा में 90% जल एंड 8% प्रोटीन होता है जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन एंड आदि प्रोटीन उसमें पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों फेफड़ों की कुल हवा क्षमता कितनी होती है? दोस्तों जैसे कि फेफड़ों की कुल हवा क्षमता होता है 5.8 लीटर। जैसे कि जो टोटल लंग कैपेसिटी की यहाँ पे बात कर रहा है तो टोटल लंग कैपेसिटी में सबसे पहले हम उसका सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। तो जो वाइटल कैपेसिटी होता है वो 4600 ml होता है और रेसिडुअल एयर जो होता है पूरा सांस लेने के बाद जो बच जाती है हवा हमारे फेफड़ों में उसे रेसिडुअल या अवशिष्ट वायु कहते हैं तो वो 1200 ml होता है। 4600 + 1200 बराबर हो जाएगा 5.8 लीटर यानी कि 5 से 6 लीटर यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट दोस्तों मनोविज्ञान को दर्शाता है तो मनोविज्ञान जहाँ पे आ जाएगा वहाँ व्यवहार ही राइट होगा। तो मनोविज्ञान जो है मनुष्य के व्यवहार को दर्शाता है। नेक्स्ट है पावलाव का नाम किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी दिया हुआ था तो इनका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कंडीशनिंग रिफ्लेक्स लर्निंग जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट दोस्तों कानेस्थेटिक ज्ञान जो कानेस्थेटिक सेंस होता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि दोस्तों एकाएक सामने सांप को देख करके हम रुक जाते हैं या आग में हाथ जाते ही हम हटा लेते हैं ये सब कानेस्थेटिक सेंस जो हमारे शरीर में होता है उसके कारण होता है। तो कानेस्थेटिक सेंस जो होता है ये एक व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण है व्यक्तिगत पृष्ठ। नेक्स्ट दोस्तों अधिगम के वंशानुगत घटक हैं तो लंबाई वजन शरीर बनावट ये सभी दोस्तों होते हैं नेक्स्ट दोस्तों आयु के वर्ष महीनों दिनों को कहा जाता है। तो दोस्तों आयु ज्ञात करने के लिए मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने की 4 विधियां हैं कालक्रम आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज जिसे जन्म से लेकर आज तक की आयु जैसे कि वर्षों महीनों दिनों में मापा जाता है जिसे कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है स्कूल एज या मार्कशीट आयु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम सब निकालते हैं कि आपका जन्म तिथि इतना है आज इतना हो रहा है कितने वर्ष हुआ ये आपका क्रोनोलॉजिकल एज हुआ। एंड दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज जो शरीर रचना आयु होता है जो हमारे अस्थियों दांतों की गणना करके ज्ञात किया जाता है जैसे कि हमारे दाहिने हाथ के रेडियल बोन्स से आयु ज्ञात किया जाता है जिसे एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है दाहिने हाथ की रेडियल बोन को ठीक है। और तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल एज जो दैहिक या शारीरिक क्रियात्मक आयु होता है जैसे कि हार्मोन के स्राव के आधार पर
होता है युवावस्था में, जैसे लड़के लड़की को हार्मोन जो स्त्राव होता है उसके आधार पर। एंड चौथा होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, जो आईक्यू क्षमता ज्ञात करके ज्ञात किया जाता है। तो वर्ष महीनों दिनों के आयु के गणना को कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि कालक्रम आयु। और कालक्रम आयु को स्कूल एज, मार्कशीट एज एंड कैलेंडर आयु आदि नामों से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, तो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा किसी एक संस्था के अंतर्गत नहीं आएगा, तो किसी एक, जैसे कि फीफा जो होता है फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को संचालित करता है, IAAF जो है एथलेटिक्स करता है, तो इसमें कोई भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, डोपिंग परीक्षण प्रक्रिया में इसका समावेश होता है। तो डोपिंग के परीक्षण के लिए सबसे पहले यूरिन की जांच किया जाता है, और उससे भी जब पता नहीं चलता है तो रक्त का नमूना लिया जाता है, तो रक्त मूत्र दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री किसको दिया गया? दोस्तों, एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार दिया गया मिल्खा सिंह को। किसको दिया गया? मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है, पहली भारतीय महिला जिसने एशियन खेल के एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, तो वो है कमलजीत सिंह संधु। कौन है? कमलजीत सिंह संधु, जो 400 मीटर दौड़ में 1970 थाईलैंड बैंकॉक में 57.30 सेकेंड में प्राप्त किया था। नेक्स्ट दोस्तों, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम के द्वारा छात्रों में किसका निर्माण किया जाता है? तो जो प्रतियोगिता होता है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, बार बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये पूछा भी था। तो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता में विद्यालय के चार दीवारी के अंदर ही प्रतियोगिता होती है, एंड एक्स्ट्राम्यूरल में एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच प्रतियोगिता होती है। तो दोस्तों, जो अपने ही चार दीवारी के अंदर जब प्रतियोगिता हो रही है, तो इसमें किसका निर्माण किया जाता है? तो बच्चों जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, ये खेलों में इन्वॉल्वमेंट यानी प्रतिभागी होते हैं, और वही उनका निर्माण होता है, और उनके अंदर की झिझक जो है खत्म होती है, तो इन्वॉल्वमेंट आपका इन्वॉल्वमेंट का निर्माण होता है। इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें शामिल होना, और जबकि एक्स्ट्रा मूलर होता है तो उसमें एक उपलब्धि और एक अलग लेवल का चीज कॉन्फिडेंस का विकास होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षण में किसी विशिष्ट विधि का उपयोग करना किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों, यह शिक्षक का कौशल पर निर्भर करता है कि किस विधि का वो प्रयोग करके पढ़ाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिक्षण योजना का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों, जो शिक्षण योजना होता है, पाठ योजना होता है, उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की आयु क्या है, लिंग क्या है, एंड प्रोग्रेशन एंड वार्मिंग अप, ये सभी चीज़ें होते हैं। अध्यापक या शिक्षक का अनुभव इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम छात्र को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं, अपने अनुभव का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी चेन होता है, जिसके माध्यम से एक चेन से दूसरे चेन में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कि इसमें से कौन शारीरिक शिक्षण के सुपरवाइजर का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, जो संस्था का प्रमुख होता है वही ज्यादातर करता है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, एशियन गेम के पितामह कहे जाते हैं प्रोफेसर जेरी सोंधी, तो वही पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, IOA का पूरा नाम क्या है? आप सबको पता है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ, जिसका स्थापना 1927 में सर दुराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NSIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की संस्था कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला पंजाब में स्थित है, और जिसकी स्थापना 7 मई 1961 को हुआ था, जो एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, और इसको भारत का खेलों का मक्का भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो होता है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए, तो 2016 का जो ओलंपिक खेल आप सबको पता है कि रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने 2 पदक जीता था, बैडमिंटन में पीवी सिंधु रजत पदक और कुश्ती में साक्षी मलिक कांस्य पदक जीता था, जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस खिलाड़ी ने एथेंस ओलंपिक 2004 में एकमात्र पदक जीता था, तो दोस्तों वो थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाजी में 2004 एथेंस में रजत पदक जीतने वाले मात्र एक खिलाड़ी बने वहां पे, एक भारत की तरफ से ओनली एक मेडल लाए थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाजी में रजत पदक। नेक्स्ट है एनसीसी का पूरा नाम क्या है, दोस्तों नेशनल कैडेट क्रॉप्स इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है, तो एक अच्छा बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों कौन सी महिला खिलाड़ी ने एशियन खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता, तो दोस्तों 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, कमलजीत सिंह संधु। नेक्स्ट है खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं, दोस्तों जो क्रॉस लेन होता है जो चेजर होते हैं वो जो है बैठते हैं उसमें 8 लेन होता है और एक खड़ा होता है, ठीक है 8 लेन होती है। नेक्स्ट है खिलाड़ी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, सॉरी दोस्तों कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल 12 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 7 खेलते हैं और 5 जो है वो स्थानापन्न होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं, तो कबड्डी खेल में 7 ऑफिशियल्स होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इसको कंफर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल टीम में भी 12 खिलाड़ी होते हैं, 6 खेलने वाले और 6 स्थानापन्न होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो 100 क्वेश्चन का था, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।